सज्जशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलाव किसा चल चल कल कल प्रवाह विशेष चल चल कल कल प्रवाह विशेष पावन संस्कृत। हम लोग कादंबरी कथाओं पढ़ रहे थे तो एक सबल सेनापति का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं और वो सबल सेनापति शाल्मली वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है। फिर आगे क्या हुआ ये देखेंगे। आसी चमे मनसि जो पिछला पैराग्राफ था कल उसको देख लेंगे। अहो मोह प्राय मेषाम जीवितम साधु जन विगर्हितं च चरितम तथा ही पुरुष पृष्ठोपहारे धर्म बुद्धि आहार साधुजन विगर्हितो मृदुमान साधि श्रमो मृगया शास्त्र शिवादुतम उपदेष्टार सदशता कौशिका प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम परिचिता श्वान राज्यम शून्याटवीषु आपानक उत्सव मित्राणि क्रूर कर्म साधनानि धनुषि सहाया विषदिग्धमुखा भुजंगा व्यवसायका गेतम उत्साहकारी मुग्ध मृगाणाम कलत्राणि बंदगृहीता परियोषिता क्रूरात्मी शार्दूलैः सह संवासः पशुधीरेण देवतार्चनम मांसेन बलिकर्म चौर्येण जीवनम भूषणानि भुजंग मणयः वनगजमदैः अंगरागः यस्मिन्नेव कामिने निवसन्ति तदेवोत्खातमूलम् शेषतः कुर्वन्ति इति चिन्तयत्येव मृचा सवर्षेण शबरसेनापतिः अटवी परिभ्रमण समुद्भवं समपनि श्रमम अपनिनेशु आगत्य तस्यैव शाल्मली तरोः अधः छायायाम् अवतारित को दंडस्परित परिजनोपनीत पल्लवासने संपाविशत। कोई उनका शिष्य कोई उनके साथ का सबर सेनापति के साथ का जो सैनिक था वो ला करके पल्लवासन बिछाता है पत्तों से बना हुआ आसन और उस पर सबर सेनापति शाल्मली वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है। अब सबर सेनापति है बाकी लोग उसकी सेवा में लगेंगे नहीं भाई सेनापति है तो सेना के और लोग उसकी सेवा में कैसे लगे हैं तो बाण ने लिखा अन्यतमस्तु शबर युवा उन बहुत सारे सबर सैनिकों में एक सबर युवक अन्यतमा कोई दूसरा एक ने आकर के आसन बिछाया और दूसरा क्या करता है सबर युवा एक ऐसा शबर युवा। शबर एक जाति विशेष है जो शिकार इत्यादि खेलती है कोल भीम किरात जैसी तो ससंभ्रम अवतीर्य बड़े घबराहट से जल्दी से उतरता है और तस्मा उसी समय करयुगल परिक्षोभिता हसा अपने दोनों हाथों से परिक्षोभित करता है ऐसे ऐसे पानी को हटाता है। पंपा सरोवर के पास ही है ना शाल्मली वृक्ष तो पंपा सरोवर में जा करके अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा पानी को ऐसे ऐसे ताकि जो उसमें कचड़ा हो वो थोड़ा साफ हो जाए और अम्भसा सरसा उसी सरोवर से किस सरोवर से पंपा सरोवर से वैदून पंपा सरोवर से अपने दो तीन लाइन छोड़ के आगे आ जाओ जहाँ लिखा है अरविंद कोष रजा कसायम भा अरविंद के पराग से पराग कणों से कसैला हो गया है जो पानी उसको कमलनी पत्र पुटेना उसको कमलनी के पत्ते का दोना बना करके प्रत्येक गोधताश्चौध पंका निर्मला मनाक संपाहरत क्या लिखा है संपाहरत। तो यहाँ से जोड़िए इसको अन्य तमस्तु शबर युवा एक दूसरा शबर युवक जब सेनापति बैठ गया तो जल्दी से संभ्रम अवतीर्य जा करके सरोवर में उतर जाता है और अपने दोनों हाथों से पानी को साफ करके करयुगल परिक्षोभित अम्भसा अपने दोनों हाथों से थोड़ा सा पानी को इधर उधर करके सरसा उसी सरोवर से अरविंद कोष रजह कसायम्भा अम्भा में जल अरविंद माने कमल
कमल कोश में जो रज मन पराग है उससे कशैला हो गया है। भाई कमल के फूल पानी में पड़ेंगे तो पानी का कमल के कुछ गंध पानी में जाएगी ना, ऐसे कमल के गंध से सुशोभित पानी को कमलनी पत्र पुटे ना, कमलनी के पत्ते में रस, कमलनी के पत्ते को दोना बना करके प्रत्यग्र उद्धृताश्चो जो अभी अभी फाड़ी गई है धौत पंक निर्मला और जिसका कीचड़ धुल दिया गया है, ऐसी मृणालिका को समुपाहर, ऐसी कमल नाल भी लेकर के आया और कमलनी के पत्ते में पानी भी लेकर आया। किसके लिए? सबल सेनापति के लिए। कौन लाया? कोई सबल युवा कहाँ से लाया? हाँ, अब वो पानी कैसा था ये दो तीन लाइनों में जहाँ हमने देखे, वैदूर्य द्रवानुकारी मानो वैदूर्य मणि का अनुकरण करने वाला, जैसे वैदूर्य मणि होती है पानी के कलर की होती है हल्की मटमैले कलर की, तो वैसे ही पानी, वो पानी जो लेकर के आया सबल सेनापति के लिए वो पानी कैसा था? जैसे वैदूर्य मणि हो, प्रलय दिवसकर किरणों तापा, मानो प्रलय के समय दिवसकर माने सूर्य और उसकी किरणों के उपताप से, प्रलयकालीन जो सूर्य होता है वो बहुत तगड़ा चमकता है, बहुत तेज उसमें उसकी किरणों में बहुत तेज गर्मी होती है, तो मानो प्रलयकालीन दिवसकर माने सूर्य की किरणों के ताप से अंबर एक देशम विलीनम, मानो आकाश, भाई सूर्य कहाँ है? आकाश में, और प्रलयकालीन सूर्य बहुत तेज गर्मा, तो जहाँ पर सूर्य था उतना आकाश मानो पानी होकर नीचे आ गया। समझ में आया? भाई प्रलयकालीन सूर्य बहुत तेज गर्मी करेगा कि नहीं, और कहीं भी यदि आप बहुत तेज गर्मी होगी तो उतना हिस्सा पूरा द्रवीभूत होगा, तो मानो बाण ने लिखा कि वो जो पानी लेकर के सबर युवा अपने सबर सेनापति के लिए आया, तो पानी का कलर ऐसा था कि मानो प्रलयकालीन सूर्य की इतनी तेज गर्मी थी कि जितने हिस्से में सूर्य था उतना हिस्सा मानो पानी पर बन के नीचे आ गया हो, और ऐसे पानी को लेकर के सबल युवा आया है। किसके लिए? सबल सेनापति के। ये सारे विशेषण जो पानी लेके आया वो पानी कैसा है उसके लिए। और कहा इंदुमंडलादि प्रस्यन्दितम, इंदुमंडल मैं चंद्रमंडल, आपने देखा चंद्रमा का गोला, तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल के से प्रस्यन्दित माने चूहा टपका, माने चंद्रमा का जो गोला है चंद्रमा से कोई चीज मानो द्रव की तरह टपकेगी, तो उसी तरह तो टपकेगी जैसे जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा कैसा है? साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है, सफ़ेद है, तो पानी भी चंद्रमा की तरह ही साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है और सफ़ेद। तो लिखा कि इंदुमंडल आदि वो मानो चंद्रमंडल से ही प्रस्यन्दित वो टपका हो, वो पंपा सरोवर का पानी ऐसा है जैसे चंद्रमा से वो निकला हो, इतना पानी स्वच्छ है, साफ है। और द्रुतमी मुक्ता फल निकरम, मानो लगता है जैसे मोती का कलर पानी के कलर से मैच करता है, तो कहाँ कि ऐसा लगता है कि जैसे द्रुतमी बहुत ज़्यादा मोतियों का समूह हो, मानो वो जो कमलिनी के पत्ते में पानी भरा हुआ है सबर युवा अपने सबर सेनापति के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं मानो मोतियों का ढेर है, मानो मोतियों का ढेर है। और अत्यच्छतया बहुत स्वच्छ, अच्छम माने स्वच्छम, बहुत अच्छे होने से स्पर्शानुमेयम, छूने मात्र से ही हिमजडम, छूने इतना अच्छा है, स्वच्छ है, पवित्र है, ठंडा है कि छूने मात्र से ही लगता है कि जैसे बर्फ हो, हिमजडम कितना ठंडा है, बोले बर्फ की तरह, सरोवर का पानी है, गर्म गर्म पानी देता तो पीते बनता क्या, बोलिए ऐसा शीतल जल है, इतना शीतल है कि स्पर्श मात्र से ही मानो बर्फानुभूति होती, हिम जड़ हिम की तरह जड़ लग रहा है। और अरविंद कोश रजा कसायाम्बा, मानो कमल के पराग के समान वो जल कमलिनी पत्र पुटेनो, मानो कमलिनी के दोने में, कमलिनी के पत्र माने पत्ते के, पुट माने दोने में, प्रत्येक ग्रोथ अच्छा कमलिनी के पत्ते के दोने में पानी लिया और खाने के लिए भी कुछ चीज़ लिया, खाने के लिए लिया मृणालिका, खाने के लिए क्या लिया, और प्रत्येक ग्रोथ धृताश तुरंत उखाड़ा
और धूत पंख निर्मला उसके नीचे उखाड़ने से नीचे जड़ में मिट्टी लगी थी, उस मिट्टी को क्या किया, उसी सरोवर में धुला और ऐसी मृणालिका ऐसी कमल नाल भी समुपाहरक लेकर के आया। दो चीज़ें लाया, मृणालिका लाया और पानी लाया, पानी पीने के लिए और मृणालिका खाने के लिए। किसके लिए? हाँ, सबर सेनापति के लिए। उसी सेना में से कोई एक सबर युवा, उन्हीं सेना में से कोई एक सबर युवा जो सेनापति की सेवा में रहता होगा, वो पानी और मृणालिका की सेवा ले आ करके करता है। मृणालिका और पानी ला करके सबर सेनापति की क्या करता है, सेवा। अब कहता है आपीत सलिलश्च पानी पी चुकने के बाद, आपीत सलिलश्च, आपीत मैंने जिसने पी लिया है, क्या पिया है, पानी। आपीत सलिलश्च सेनापति ही, कौन पानी कौन पी चुका है, सेनापति। और ताहम मृणालिका और उन मृणालिकाओं को, उन कमल नालों को, शशिकला ही सैनिके क्रमेण आदर्शत, आदर्शत माने खाया चबाया, जैसे सैनिकेय माने राहु, शशिकला माने चंद्रमा की किरणों को खा जाता है, ऐसे ही राहु के समान वो सबल सेनापति कमल नालों को ऐसे चबाया, जैसे सैनिके माने राहु, शशिकलाओं माने चंद्रमा की किरणों को खाता है। तो ये कहानी आपको पता है कि चंद्रमा चंद्र ग्रहण होता है राहु के द्वारा, तो जैसे राहु चंद्रमा को पूरा नोच डालता है, खा जाता है, चबा लेता है, पचा लेता है, ऐसे ही सैनिकेय, कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछ लेगा शब्दार्थ की दृष्टि से सैनिकेय माने क्या, तो सैनिकेय माने राहु, ध्यान रखिएगा कुछ शब्दार्थ भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सैनिकेय एवं शशिकला, मानो जैसे चंद्रमा की किरणों को राहु चबा लेता है, ऐसे ही मृणालिकाओं को कौन खा गया और क्या पी गया, पानी पी गया और क्या खा गया, मृणालिकाओं को किसकी तरह खा लिया, जैसे राहु चंद्र किरणों को खा जाता है वैसे। अपगत श्रमश्च उत्थाय, और थोड़ा विश्राम करने के बाद, अपगत माने चला गया है, श्रम माने थकान, थोड़ा पानी पी लिया, मृणालिका खा लिया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, थकान चली गई, तो उत्थाय उठ करके परिपीत अम्भसा पानी पी चुकने के बाद, सकलेन तेन सबर सैन्येन संपूर्ण सबर सेना के साथ अनुगम्यमान, सारी सेना जिसके पीछे पीछे चल रही है, ऐसे शनैः शनैः धीरे धीरे अभिमतम दिगंतरम अपने अभीष्ट दिशा की ओर आयासीत चला गया। अभिमतम दिगंतरम, अभिमत दिगंतर समझ गए, उस दिशा की ओर जिस दिशा की ओर उसको जाना था, जिस दिशा की ओर सबल सेनापति को जाना था, उस दिशा की ओर पानी पी चुकने के बाद थोड़ी देर सारी सेना जिसका अनुगमन करती है, तो जब वो आगे आगे चल दिया, पीछे पीछे सारी सेना चल दी, और जिधर जाना था उसको उधर चला गया। कौन बताया इसका मतलब, तोतवा सेफ बच गया, डर गया था ना, कल हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे क्या हुआ, सेफ बच गया, बताया कि गुरु आए, थोड़ी देर बैठे, जल जलमान हुआ, मृणालिका छिटालिका खाए और निकल लिए, और उसी के साथ पूरी सेना भी चली। लो हम लोग तो बच गए भैया, नहीं तो प्राण सकड़ने आ गए थे, लग रहा था कि भगवान मर जाएंगे मर जाएंगे, अच्छा हुआ सबर सेनापति चला गया, उस सेनापति के साथ सारी सेना भी चली। इसके बाद आगे पैराग्राफ में बताता है, कहता है कि इसके बाद एक तमस्तु, इसके बाद एक जरत छबरह, जरत माने बूढ़ा, सबरा माने शबर, बूढ़े ससुरा जब सगरी सेना चली गई तो एक जो बुढ़वा दिखाई पड़ा, ये ससुरा पता नहीं कहाँ पीछे पीछे टहर टहर आ रहा था, इसका वर्णन बाणी ने बड़ा सुंदर से किया कि बोले सारी सेना चली गई, आई सेना बैठी, खाना पीना हुआ, नाश्ता पानी हुआ, सुस्ताए तब तक बुढ़मकवा नहीं आया, जब सब चले गए तो एक जो पीछे से बुढ़वा आया, लिखा एक तमस्तु जरत शबर, इसके बाद एक बूढ़ा शबर, तस्मात पुलिंद वृंदा, उसी भीलों के समूह से, वृंद माने समूह, पुलिंद माने भील, शबर तो उसी पुलिंद के सभा समूह से अनासाधित हरिण पिशिता, आसाधित माने प्राप्त करना, अनासाधित माने न प्राप्त करना, जिसको हरिण का पिशित माने मांस नहीं मिला था, ऐसा एक बूढ़ा सबर, ध्यान रखना इसको नहीं मिला कुछ,
सब लोग कोनो मांस लिए है, कोनो हरिन लादे है, कोनो हाथी के दांत लिए है, कोनो सिंह के चर्म लिया था, कल पढ़े कि नहीं, सब कुछ न कुछ पाए। हे बुढ़वा कुछ पौवे नहीं किया, बूढ़ा आदमी पाएगा तब जब कुछ करेगा तब ना, ना शेर मार पाया, ना सियार मार पाया, ना सुवरा मार पाया, बेचारा खाली हाथ है। बाण ने लिखा, बाण कहते अनाज साधित नहीं मिला था हरिण पिसिता, जिसको हरिण का एक लोलो मांस नहीं मिला था। आया था बेचारा कि सोचा हमको भी कुछ मिल जाएगा, लत्तिन नहीं लगी, पौवे नहीं किया, बूढ़ा था बेचारा। बोले पिशिता सना विवृकित दर्शन, ऐसा लग रहा था जैसे दानव हो, कोई दैत्य हो, कोई राक्षस की तरह लग रहा था। पिशितासन कौन है? मांस खाने वाले। तो मांस खाने वाले कौन है? पिशितासन दानव दैत्य राक्षस। तो बड़े बड़े दानव की तरह विकृत दर्शन, देखने में बड़ा भयावह लगता था, बड़ा डरावना लगता था। और पिशितार्थी, पिशित माने मांस, अर्थी माने चाहने वाला, जैसे विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, धनार्थी धन चाहने वाला, तो पिशितार्थी मांस चाहने वाला। तो वह कहता है कि ओके, आँखी से लग रहा था कि ससुरे को मांस चाहिए, चूंकि उसको मांस मिला नहीं था। पिशितार्थी तस्मिन्ने वतरु मूले, तस्मिन्ने वतरु मूले, उसी वृक्ष की जड़ में, उसी वृक्ष के मूल में, जड़ में वहीं खड़ा होकर मुहूर्तमिव व्यलंबत, थोड़ी देर तक वहीं देखता रहा, खड़ा रहा। सारी सेना चली गई, बच गया। बुढ़वा आया, सालमली वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। अब व्यलंबत ऊपर की ओर देखा, अंतरिते च तस्मिन् सबर सेनापतौ। जब सबर सेनापति अंतरित हो गया, ओझल हो गया, चला गया, सह जीर्ण सबर रहा, वह बूढ़ा सबर सामान्य वह जीर्ण सब रहा। पिबन्निव अस्माकम् आयुषि, मानो पी रहा है हम लोगों की आयु को, ऐसे देख रहा था कि साला मानो हमारा प्राण हर लेगा। लिखा ना वैशंपायन सुख ने कहा, पिबन्निव मानो पी रहा है अस्माकम् आयुषि, मानो हमारे आयु को पी लेगा। इसका मतलब मानो हमारी जान ले लेगा, ऐसे देख रहा था कि मानो मानो खा जाएगा, मार डालेगा। पिबन्निवस्माकम् आयुषि, और रिधुर बिंदु पाटलया, खून की बूंद की तरह लाल रंग की, कपिल भ्रूलता परिवेशन भीषणया, और थोड़ा थोड़ा कपिल कलर की भौहें रूपी लताओं से, इतनी बड़ी बड़ी उसकी यहाँ भौहें थी, बड़ा बड़ा भूरी भूरी भौहें, और बोले लाल लाल आँखें, बोले बड़ा भीषण लग रहा था। कैसा लग रहा था? कपिल भ्रूलता परिवेशन भीषणया दृष्ट्या, ऐसी भयानक दृष्टि से देखा, बड़ी भीषण दृष्टि थी। और गणयन्निव गिनने लगा, गणयन्निव गिनने लगा, शुक कुल कुलाय स्थानानी, शुभ तोता कुल समूह, तोतों के समूहों के कुलाय माने जो घोंसले थे उनको गिनने लगा कि एक तो इधर है, एक खोखलैंडा उधर है, एक चूहा उधर बैठा है, एक चूहा उधर खोखलैंडा है। बोले नीचे खड़ा हो करके हम लोगों के खोखलैंडों को गिनने लगा। अब हम लोगों का प्राण संकट में पड़ा कि बड़की सेना से तो बच गए, पर ये बुढ़वा ऐसे ऐसे गिनने लगा, एक इधर है, एक वो है, एक वो है। लिखा कि गणयन्निव गिनता हुआ शुक्रकुल कुलाय स्थानानि, तोतों के रहने के घोंसलों को गिन रहा था। और शेनाइव, शेन माने बाज, हाँ कभी शब्दांत पूछेगा अंडरलाइन कर लेना, शेनाइव मानो बाज की तरह, विहगम आमिष स्वाद लालसा, विहग माने पक्षी, आमिष माने मांस, स्वाद माने स्वाद को, लालसा माने लालची, पक्षियों के मांस को खाने का लालची हम लोगों के तोतों के जो घोंसले थे उनको मानो गिनने लगा। असुचिरम बड़ी देर तक आरुक्षु चढ़ने का इच्छुक, तम वनस्पति उसी वृक्ष को आमूला नीचे से लेके ऊपर तक अपश्यत देखा। अब वो ये अंदाज रहा है कि इधर से चढ़ें कि डार से चढ़ें, पिनहारा से चढ़ें तो उधर डार से चढ़ें, इधर से चढ़ें तो इसको 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 मारते हुए इस पेन से फिर इधर से इसे उतर आए, ऐसा अंदाजने लगा। कौन?
वही बूढ़ा सवर। और कौन बता रहा है? वैशंपायन नामक सुख। किससे बता रहा है? राजा सुभद्रा से। चलिए कम से कम भूले तो नहीं, हमें लगा कि हे भगवान उसकी कहानी के चक्कर में आप पुराण की कहानी तो नहीं भूल रहे। वैशंपायन नामक सुख राजा सुभद्रा से बता रहा है कि महाराज एक बूढ़वा सवर आकर के हमारे पेड़ में ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अब हम लोग डर गए कि गुरु अब लगता है गड़बड़ा जाएगा। बोले शेनी विहगम आमिष स्वाद लालसा सुचिरम आरुक्षोतम वनस्पति मामूला तपस्यत। बोले उत्क्रांतमिव तस्मिन क्षणे, उत्क्रांतमिव इसको देखना, उत्क्रांतमिव तस्मिन क्षणे तदा आलोकन भीतानाम शुककुलानाम असुभिः। शुककुलानाम पूरे शुककुल खानदान का असुभिः माने प्राण, तस्मिन क्षणे उस क्षण उत्क्रांत मानो सभी तोतों के प्राण गुरु ऊपर उड़ने लगा। सब तोते सोचने लगे कि गुरु अब बचने का कोई मौसम। उत्क्रांतव्य तस्मिन क्षणे जब वो ऊपर देखने लगा, हम लोगों के घोंसलों को गिनने लगा, तो सभी आलोकन भीताना उसको देख देख के हम लोग डर गए कि गुरु अब लगता है बचना मुश्किल है, अब मार डालेगा, ये सबको खा लेगा। कहा किमिव ही दुष्कर्म अकरुणानाम, किमिव ही दुष्कर्म अकरुणानाम, जिनके पास करुणा नहीं है, जिनके पास दयालुता नहीं है, उनके लिए कोई काम दुष्कर है क्या? जो निर्दयी हैं, जैसे आतंकवादी हैं, वो किसको मार देंगे? उनके पास दया है ही नहीं। बच्चे को मार दें, बूढ़े को मार दें, लड़की को मार दें, लड़की को, लड़के को मार दें, किसी को भी मार देंगे। और ये इसीलिए सुक्ति हो गई, अंडरलाइन कर लेना, कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा क्या किमिव ही दुष्कर्म अकरुणानाम। इसने कहा बाण कहते, बाण ने कहा अपनी कादंबरी में कि अकरुणों के लिए, दयालुहीनों के लिए, जिनके पास दया नहीं है, उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, सब कर देंगे, किसी को भी मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। अब इस सबर बूढ़े सबर को भूख लगी है, मांस खाना चाहता है, ये दया करेगा कि नहीं? तोते का बच्चा है, इसको न मारे। अरे जौने मिले, 50 ग्राम मांस मिले, 50 ग्राम मिले, 100 ग्राम मिले, कुछ तो मिले। इसीलिए इसको अंडरलाइन करिएगा, यतः क्योंकि सह वह तम अनेक ताल तुंग मम भ्रंकश साकाश क्रम विशोपान ही वह यत्ने ने व पादपम आरुह्य तान अनुपजातोत्पतन शक्ति। यहाँ से पढ़ना क्योंकि वह सह कम वही सबर बूढ़ा सबर अनेक ताल तुंगम, अनेक ताल वृक्षों के समान तुंग माने जो ऊंचा था, कौन? सालमली का वृक्ष। ताड़ वृक्ष बड़ा ऊंचा होता है, जानते हैं? ताड़ वृक्ष बहुत ऊंचा होता है। तो जो अनेक ताड़ वृक्षों के समान ऊंचा था और अभ्रंक शाखा शिखरम, जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी, हल्का फुल्का पेड़ नहीं था, शाखा से अभ्रंक शाखा शिखरम आकाश को छूने वाली जिनकी शाखाएं थी, उस शिखर उसमें भी सोपान ही वो ऐसे चढ़ा साला जैसे सीढ़ी लगी। जंगल के लोग पेड़ चढ़ने बड़े होशियार होते हैं, कोई शहरातू आदमी बने कभी गांव में जाए और हम लोग जब पेड़ में छलांग मार के चढ़ने लगे तो नीचे से देखते ना, अरे बाप रे कैसे चढ़ गया। सफेदा का पेड़ जानते हैं? यूकेलिप्टस। हाँ, जब शहरातू लोग आए, हम लोग यूकेलिप्टस में एकदम ऊपर चढ़ना है, ऐसे पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, उसमें कुछ होता नहीं, डाल साल होती क्या? नहीं। आंबा में चढ़ना आसान है, महुआ में चढ़ना आसान है, यूकेलिप्टस में सर गाँव के छोटे छोटे बच्चे यूकेलिप्टस से हम लोग तैयारी करते थे चढ़ने, खूब ऊपर तक चढ़ जाते थे। अब मान लो कोई आदमी बचपन से बम्बई में रहा है और वो आपको यूकेलिप्टस के पेड़ में ऊपर चढ़ा देखेगा, उसका तो प्राण सूख जाएगा। बोलिए, जो हमेशा छत में भी चढ़ा है तो लिफ्ट से चढ़ा है, जो छत में चढ़ा है लिफ्ट से चढ़ा है, सारा सीढ़ी हो चाहे ना हो, दो मंजिला में हम लोग सीधे दीवार का खखरेंगा पकड़ के चढ़ जाते हैं, तो उस आदमी के लिए, जो सहरा तो आदमी होगा, उसके लिए कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो ये इसके लिए बाण ने लिखा कि सोमान ही वो जैसे सीढ़ी लगी हो, आयतने ने वो बिना प्रयास के, आयतने ने यत्र माने प्रयास, और आयतने ने माने बिना प्रयास के ही पादपम आरुह्य वृक्ष पर चढ़कर तान अनुपजात उत्पतन शक्तिन,
संतान माने उन तोतों को जिनको अनुपजात माने पैदा नहीं हुई थी, उत्पतन की शक्ति, उड़ने की शक्ति अभी जिनमें नहीं आई थी। मान लो तोता उड़ने वाले होते, फुर से उड़ जाते जैसे चढ़ते थे, लेकिन उनके पास पंख नहीं निकले थे, अभी छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मी पापा सब खाना लेने चले गए थे, आपने पीछे पढ़ाए, सवेरे सवेरे सारे तोते तोतियाँ हो जाते थे अपने बच्चों का भोजन पानी लेने के लिए, केवल ये बुढ़वा पाप बचा है क्योंकि इसका भी पंख झड़ गया है और ये उड़ नहीं पाता है। ऐसे ही और बहुत सारे खोखलेंदों में छोटे छोटे बच्चे ही बचे हैं जिनको अनुपजात उत्पतन शक्ति, उत्पतन माने उड़ने की शक्ति जिन्हें अभी नहीं आई है, ऐसे ही तोते उसमें केवल बचे थे। लेकिन मात्रा में खूब थे, 100-200-400 तोते के बच्चे रहे होंगे, इतना बड़ा पेड़ है तो सारे तोते उस पेड़ को बहुत सुरक्षित मानते थे कि इतना लंबा चौड़ा बड़ा बृहत्तम पेड़ है, यहाँ कोई चढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात की सबल सेना इसलिए उस पेड़ में तोतों को नहीं मारी कि भाई जिसके पास गैंडा का मांस है, हिरण का मांस है, हाथी का मांस है, खूब लगा है पूरा, देखें सब लोग लिए थे कुछ ना कुछ, वो आदमी तोता को मारने कहाँ चढ़ेगा। अभी बुढ़वा का ही चल रहा है, बुढ़वा को कुछ मिला नहीं, इसको ज़रूरत सुअरों का मांस नहीं मिला, कुछ मार ही नहीं पाया, भाई मांस तो उसको मिलेगा जो मारे वो ले, जो मारे वो ले, ये बूढ़ा ना सुअर मार पाया, ना मृग मार पाया, ना शेर मार पाया, ना हिरण मार पाया, ना तो हाथी मार पाया, तो इसको कुछ मिला भी नहीं। अब बेचारे देखो कितना पीछे, सारी सेना आई, पानी वानी पिए, खाए पिए, चले गए, तब बुढ़वा बेड़े के नीचे पहुँचा। ससुरा चलना इसको दूभर है, बुढ़ा गया है ना, इतनी आगे सेना चली गई तुम इतने पीछे हो गए क्यों, इसलिए। लेकिन सोचा कि चलो जा तो बुढ़िया का काम दे, तो वहीं आके अंदाज में लगा कि ठीक है जब उन्हें मिले। अब उसी सालमली वृक्ष पर चढ़ करके कहा पाद पम्मारोह्य तान अनुपजात, अनुपजात अनुपजात उत्पतन शक्ति और कांक्षित अल्प दिवस जातम। तत्वा बता रहा है राजा से कि हे महाराज कांचित कुछ तो बेचारे अल्प दिवस जाता, कुछ बेचारे जैसे कुछ काल है पैदा भी रहे, कुछ परसों पैदा भी रहे, दो ही तीन दिन के कुछ रहे, कांचित अल्प दिवस जाता, कैसे कैसे तोते के बच्चे थे उसमें, बोले कुछ तो थोड़े दिन हुआ तब पैदा हुए और गर्भ छवि पाटना, इसीलिए जो गर्भ से पैदा होने के बाद जो रंग होता है ना छवि लाल लाल टाइप का, पहले तोता हरा थोड़ी पैदा होता है, पैदा होते समय हर प्राणी लगभग लगभग उसमें लालिमा होती है, तो बोले कि अभी कुछ तोते तो ऐसे थे जिनके गर्भ की छवि भी अभी गई नहीं थी, अब इन्हें पैदा हुए थे, और कुछ सालमली कुसुम शंका उपजनेता, सेवन के फूल लाल होते हैं और ये सालमली तरु है, तो ऐसे सालमली तरु के फूलों की शंका पैदा कर रहे हैं। गर्भच्छ भी कैसी होती लाल, गर्भच्छ भी गर्भ से कोई भी जैसी तुरंत गर्भ से, आप किसान के बच्चे हैं तो इतना जानते होंगे, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो कोई भी, जब भी गर्भ आएगा तो आप देखेंगे उसका कलर कैसा होगा, रेड लाल ही होगा, खून लगा होगा, और वो खून उसके शरीर से जब तक जाता है तो यानी गर्भ गर्भन छवि मतलब रक्त छवि, जो भी गर्भ से निकलेगा वो रक्त लालिमा को खून को लेकर के निकलेगा, इसीलिए कहा कि गर्भन छवि पाटनान सालमली कुसुम शंका उपजनेता, मानो सालमली के फूलों की शंका पैदा हो, सालमली का फूल लाल होता है। कांक्षित उद्विद्यमान पक्षतः, अब कुछ लोगों के पंखे तो निकल आए थे लेकिन नलिन संवर्तित कामकारिणः मानो कमलनी के कमलनी के अनुकरण करने वाले थे, और कांक्षित अर्क फल सदृशान, और कुछ लोग अर्क फल मदार के फल के समान थे, कुछ लोग मदार के फल के समान थे, और कांक्षित लोहिताय मान चंचकोटी, और कुछ लोग लाल लाल चंचू वाले थे, सब कुछ तोते कैसे थे जिनकी लाल लाल चंचुएं होने लगी थी, और ईसद विघटित दलपुट पाटल मुखाना, और कुछ का मुख जो है कुछ पाटल कलर का होने लगा था, ललियाने लगा था, और कमल मुकुलानाम ऐसे लग रहे थे जैसे कमल की कली हो, मुकुल माने कली, कमल मुकुलानाम श्रीयमुद्वहता, कमल की कली के समान श्री माने शोभा को धारण करने वाले कुछ थे, और कांक्षित अनवरत शिरोकंप व्याजेन, और कुछ तो अनवरत लगातार शिरोकंप व्याजे, उनका सिर कांप रहा था। कभी आपने छोटे छोटे बच्चे देखे पक्षियों के, छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटे, तो आपने देखा होगा तो उनका सिर ऐसे ऐसे हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है,
वो बच्चों का तो उन्होंने कहा कान शिर अनवरत लगातार शिरोय कंपया जैन, जिनका सिर कांप रहा था। अच्छा, मारे डर के भी कांप रहा था और बच्चों का वैसे भी सिर कांपता है, तो उनको मानो निवार प्रतिकारा समर्थन, मानो वो मना कर रहे हैं, अपने मूड ऐसे ऐसे हिल रही है तो मानो वो सबल सेनापति को मना कर रहे हैं, हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं हमको नहीं पकड़ना। अपने हिलती हुई मुंडी से मानो कुछ तोते के बच्चे निवारित कर रहे हैं। प्रतिकार समर्थन, जो प्रतिकार करने में असमर्थ है, जो मानो उसको मना कर पाने में असमर्थ है, एक एक सा फलानी हो सबको, वह एक एक फल के समान जाता था और फल की तरह तस्य वनस्पति शाखा संधिभ्या, उस महान वनस्पति माने वृक्ष की शाखाओं के बीच से कोटरांतरेभ्यश्च और कोमलैंगों के अंदर से शुभ सावकान अग्रहीत, तोते के बच्चों को पकड़ लिया और अपगता संश कृत्वा, अशु माने प्राण, अपगत माने चले गए, तो सबको पकड़ पकड़ के उनका दह की गच्ची दे दबाए, जब तो दबा मर जाए तो छितऊ अपातयत, छितऊ माने पृथ्वी पर, अपातयत माने फेंक देता, ऐसे नहीं कि खोखलैंगा से निकाले फेंक दे, नहीं दह के चबक के दबा देता था ताकि मर जाए, नीचे जाए तो उड़ न जाए साथ। तो पहले खोखलैंगा में हाथ डाल के तोतों के बच्चों को निकालता था, फिर अपगत असूश कृत्वा खूब दह के चपक के दबा लेता था, तो वो टेढ़ हो जाते थे, मर जाते थे, प्राण निकल जाता, फिर क्या करता था, नीचे फेंक देता था। अब उतरेगा तो सब समेट लेगा, तो कम से कम 4-5 किलो तोता मिल गई है, अब 5 किलो तोता में 2.5-3 किलो मांस आ जाए, हो गया बहुत है, पर्याप्त बूढ़ा बूढ़ी के लिए पर्याप्त है नहीं। अपगत असंश कृत्वा छितऊ अपातयत, ये कौन बता रहा, ये सबको बताया, अभी अपना भी बताएगा कि हमारा क्या हुआ, जब सब मर गए ससुरा तुम कहाँ थे, तुम कैसे बच गए, आज कहानी बता रहे हो, सबके मरने की कहानी बताया, अपना बता रहा क्या। बोले तातस्तु तम महांतम अकांडे एव, तात माने पिताजी, तात माने, बोले तात तो तम महांतम अकांडे एव, मेरे पिताजी, अब तोते तोता और तोते के पिता दो ही लोग तो थे ना, तो बोले कि सबको पकड़ पकड़ के निकाल निकाल करके प्राण ले ले करके नीचे फेंक दिया, और मेरे पिताजी तो ताता, तात माने पिता, मेरे पिताजी उस असमय अकांड माने ऐसे असमय में जब उनको प्राण एकदम लगा कि प्राण हरम अब प्रतिकारम, आगे लिखा प्राण हरम, अब उनको पता चल गया कि हमारा प्राण हर लिया जाएगा और हम प्रतिकारम, हम इसका कुछ प्रतिकार भी नहीं कर सकते, प्रतिकार माने विरोध और अब प्रतिकार माने जब हम प्रतिकार नहीं कर सकते, तो लिखा प्राण हरम अप्रतिकारम उपप्लवम उपनतम अवलोक्य, अवलोक्य माने देखकर, हमारे पिताजी ने क्या देखा, मेरे पिताजी ने देखा कि इस प्राण हारक बूढ़े सबर को हम लोग कोई प्रतिकार इसका नहीं कर सकते और उपप्लवम उड़ नहीं सकते,